ये जो आप इतनी सुंदर सीनरी देख रहे हो, ये कोरिया नहीं है, ये इंडिया है। और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी और भाई को लेके एक ट्रिप पे केरला। तो मेरे लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी और भाई के साथ अपने लाइफ टाइम में कहीं घूमने जा रही हूँ। और कोची पहुँचते ही हम जैसे ही कार में बैठे ना, वहाँ पे बिल्कुल केरला के मलयालम गाने बजने लगे। मुझे ना इंडिया की सबसे एक्साइटिंग बात यही लगती है कि आप किसी भी कॉर्नर में पहुंच जाओ, आपको हमेशा एक न्यू ही लैंग्वेज और न्यू ही कल्चर मिल जाता है। और मुझे बहुत मजा आती है ये सब चीजें एक्सप्लोर करने में। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज आप मेरे साथ घूमोगे कोची, फिर मुन्नार, फिर वर्कला, एलपी और फिर हम वापस घर आ जाएंगे। ये है कोची में एक ब्रिज जो कि पानी के बिल्कुल बीचों बीच में है और इसमें दोनों साइड पानी है। मुझे तो ये देख के मजा ही आ गई। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी मम्मी और ये है मेरा छोटा दुष्ट भाई। अब गूगल मैप्स के हिसाब से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी कोची फोर्ट। अब आप कोची फोर्ट के नाम पे क्या एक्सपेक्ट करोगे बताओ? कि वहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग होगी, बहुत ही पुराने जमाने के राजघराना के कपड़े होंगे, बड़े बड़े महल होंगे, बट यहाँ पे एक मार्केट, एंड ये मार्केट मोस्टली फॉरेनर्स के लिए है क्योंकि ये बहुत महंगी मार्केट है। तो आपको अगर महंगी शॉपिंग पसंद है तो आप यहाँ जरूर आइएगा। फिलहाल मैं मार्केट के जस्ट बगल में इस एरिया में गई थी जहाँ पे ये चाइनीज फिशिंग नेट्स यूज होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मेरी मम्मी और भाई दोनों लोग समुद्र पहली बार देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से घास होना समुद्र में नॉर्मल है, बट मैं उन्हें समझा रही थी नहीं, ऐसे नहीं होता है। बट आप देख सकते हो कि मेरी मम्मी कितनी खुश है यहाँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ केरला ही क्यों। हमने ना एक मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम आई था, जिसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं मुन्नार के बिल्कुल ही टॉप पे, याद है आपको? मुझे बताना अगर आपने वो मूवी देखी है कि नहीं। तो हम लोग कोची से निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो है मुन्नार, और हमें रास्ते में ही एक रैंडम मंदिर मिला जो हमें अच्छा लग रहा था, तो क्यों ना अंदर जाया जाए। तो हम बस अंदर जाके ये 3-4 फोटो खिंचा के जय भगवान जी करके और वापस आ गए। फिर ना मुझे एक डिफरेंट टाइप का फ्रूट मिला था जो कि मैंने कभी नहीं खाया। आप बताना अगर आपने ये पहले खाया है कि नहीं। मुझे एक बात केरला की यहाँ आने के पहले नहीं पता थी कि यहाँ पे या तो बीच है या तो माउंटेन्स है, और यहाँ की रोड बहुत ही अच्छी है। तो आप जब भी कहीं पे भी ट्रैवल करोगे ना, तो ये सुंदर वादियाँ तो आपको पूरे वीडियो में दिखने वाली हैं। हम आगे जा ही रहे थे और हमें एक बहुत ही क्यूट आइसक्रीम शॉप मिली। यार मैंने उसी चीज के शेप की शॉप तो लाइफ में पहली बार देखी है। ये सब चीजें मैंने ऑजवर्ल्ड में देखी थी कि जैसे आइसक्रीम की शॉप आइसक्रीम के जैसी, केक की शॉप केक के जैसी, मफिन की शॉप मफिन के जैसी, यही तो मिसिंग है बस। फिर हमारी मुन्नार तक की जर्नी थी 6-7 घंटे की, तो मैंने भी बीच में थोड़ा सा ड्राइव कर लिया। फिर मम्मी और भाई बहुत ज्यादा डर चुके थे, तो फिर मैंने कार भाई को वापस दे दी। फिर रास्ते में ये मेरा भाई नारियल खाता हुआ, हमें बहुत ही सुंदर वाटरफॉल दिखते गए, एंड हम हर झरने के साथ फोटो खिंचाते गए। फिर मैं और भाई ना सीक्रेटली कहीं पे भी पहुंचने में बहुत बिलीव करते हैं कि बस कोई नई सी चीज मिल जाए। तो हमें ये एक बहुत ही सीक्रेट ब्रिज मिला था जो कि आधा टूटा हुआ था, बट इसके ऊपर जब चढ़े तो इसमें सीन तो बहुत अच्छे थे, बट इसमें बहुत सारी दारू की बोतलें थी। स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, बट ये आई एम श्योर वो जो बच्चों का अड्डा नहीं होता है कि यहाँ के लोग स्मोकिंग और पक्का ड्रिंक करते हैं, इसीलिए इतनी बोतलें हैं। कई बोतलों में तो सूसू भी थी मेरे हिसाब से। फिर ये नेक्स्ट डे हम लोग जहाँ पे रुके थे उसी के जस्ट सामने नदी बह रही थी, तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा छपर छपर किया और हम लोग फिर से निकल गए अगले डेस्टिनेशन के लिए। और हम फाइनली पहुंच गए मुन्नार के टी गार्डन्स में। तो आप आराम से ये सीन एंजॉय करो एंड मुझे खिड़की से बाहर निकलते हुए देखो। फिर मैं बन गई बक्स बनी और मैंने ये फ्रेश कैरेट्स खाई। अब अगेन ऑफ टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और बीच में थोड़ी सी मस्ती तो बनती है। अब मुन्नार आके मुन्नार के फूल ने एंजॉय किए तो क्या किया बताइए। तो मम्मी को मैं ये फ्लावर गार्डन लेके गई, एंड यहाँ पे हमने बहुत तरीके के फ्लावर्स एक्सप्लोर किए एंड इधर से उधर घूमा, एंड ये प्लेस बहुत ही सुंदर थी एंड मेरी मम्मा को बहुत मजा आया। अब ये इतना सुंदर सीन था तो मैंने बनाया अपने भाई को कैमरामैन और मैंने भी यहाँ पे थोड़ी मॉडलिंग शॉटलिंग कर ली। अब हमें भूख लग रही थी तो अब हम खाना खाने गए, एंड मुझे सिर्फ दाल चावल ही खाने को मिला क्योंकि बहुत सारा खा खा के मेरी तबीयत तो खराब हो गई
रही थी। फिर हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो बहुत ही एक्साइटेड होके गए एलिफेंट की राइड करने, बट एलिफेंट को देख के हम तीनों लोगों को तरस आ गया, तो हम फिर ऐसे ही कहीं और चले गए। एंड फिर हम गए, ये एक डैम था वहां पे, एंड इस डैम पे बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू था, तो हमने बहुत सारी फोटोज खिंचाई। एंड उसके बाद उसके बीच में एक आइलैंड जैसी जगह थी जहाँ पे कोई नहीं जा रहा था, तो अब हमें तो वहां पे जाना ही था, तो हम लोग वहां पे जाके और फोटो खिंचा के भाग आए। फिर हमने थोड़ा सा और खाना खाया एंड यहाँ पे ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड। फिर ना नेक्स्ट डे हमें ये फ्रूट वाले भैया दिखे जिन्होंने ये मिर्ची डाल के जूस बनाया था फ्रूट का। ये तो मैंने लाइफ में पहली बार मिर्ची वाला जूस पिया है। आपने ट्राई किया होगा तो आप भी बताना, बट मुझे बहुत ही न्यू एंड एक्साइटिंग चीज लगी थी। मुझे बताना इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तो इसका नाम भूल गई। फिर हम गए स्पाइस गार्डन एंड यहाँ पे हमने बहुत सारे पेड़ देखे एंड नॉलेज ली। फिर हम चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर एंड रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर चर्च मिले और हम एक क्लिफ ढूंढ रहे थे एंड ढूंढते ढूंढते हम एक कच्चे रास्ते पे चले गए। और फिर तो मतलब मम्मी के हिसाब से यहाँ कोई आएगा और हमें मार ही देगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सीन था क्योंकि हम केरला और तमिलनाडु के बीच के बॉर्डर पे थे, बट हमने सिर्फ 5 मिनट में फोटो खिंचा के हम वहां से भाग लिए। तो फिर हम गए कथकली डांस देखने। अब मैं पहले आपको अपने बारे में बता दूं कि अगर मेरे अगल बगल 3-4 से ज्यादा लोग हैं तो आई वुड प्रिफर कि उनको मैं दिखूं ही ना, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट। तो ये जब एक एक इंसान को ऊपर बुला रहे थे तो मैं नीचे जमीन पे देख रही थी, पर पता नहीं क्यों इन्होंने तब भी मुझे बुला लिया। अब जब ऊपर स्टेज पे आ ही गए हैं तो डांस तो करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने जो बोला मैंने बस वो कॉपी कर दिया। बट वो एक ऐसा मोमेंट है तो शायद मुझे जिंदगी भर ही याद रहेगा एंड आई रियली एंजॉयड इट। फिर ये था एक रूम जहाँ पे हम लोग रुके थे एंड उसके सामने बहुत ही सुंदर व्यू था। एंड उसके बाद आज हमें जाना था बोटिंग करने पेरियार लेक पे, तो हम यहाँ पे गए एंड यहाँ पे बहुत ही सारे बंदर थे और हम लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनी। फिर हमने स्लो मोशन में पूरा लेक घूमा, हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में, तो अच्छा लगा देख के। फिर हमने किया लंच और यहाँ खाई पूरी ऑथेंटिक थाली। फिर रास्ते में टी गार्डन के बीच में घुसना तो बनता ही है, तो हम लोगों ने गार्ड अंकल से परमिशन ली और अंदर जब एक भी इंसान नहीं था तो मेरा डांस करना तो बनता ही है। फिर मुझे ये अलग टाइप की लीची मिली थी जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। मुझे बताना अगर आपने भी खाई है कि नहीं। सुंदर सीनिक व्यूज देख के आपको लग रहा होगा मैं पता नहीं कौन से पहाड़ों की बर्फीली जगह जा रही हूँ, बट मैं बीच जा रही हूँ, वो है वर्कला बीच। केरला की यही बात तो सबसे अच्छी लगी कि आप कहीं भी जाओ बट पहाड़ आपके साथ हमेशा रहते हैं। फिर पूरी सीनरी एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंच गए वर्कला बीच। अभी तो रात हो रही थी, हम तब भी जाके पानी के बगल में फोटो खिंचाएंगे और हमने खिंचाई और वहां खड़े हुए थे बट पानी पैर तक आया नहीं। चलो कोई बात नहीं। और मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, इसी रात में समुद्र में मम्मी की चप्पल 2 बार समुद्र में गई और दोनों टाइम हमें वापस मिल गई, थैंक गॉड। फिर यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स एंड मोस्टली यूथ पब्लिक यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, तो हम गए और हमने यहाँ पे डिनर किया एंड यहाँ पे स्वॉर्ड फिश भी मिल रही थी। भैया क्या बात है, मैंने लाइफ में पहली बार ये देखी। तो अब हम नेक्स्ट सुबह क्या करेंगे, उठते ही तीनों लोग बीच के सामने चले गए। अब ये पहली बार होगा कि मम्मी और मेरा भाई बीच नॉर्मल रेत के साथ दिन में देखेंगे, क्योंकि कल तो रात हो रही थी और उसके पहले वाले बीच में घास थी। तो सुबह होते ही हम तीनों डायरेक्टली पहुंच गए बीच पे और हमने बहुत ज्यादा छपर छपर किया। मम्मी और भाई ने भी खूब मजे किए और फिर हम चले थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करने, लेकिन ये बहुत ही सुबह हो रही थी तो अभी सब बंद था। हम बीच के एक्साइटमेंट में ज्यादा ही सुबह बाहर निकले। फिर हम तैयार होके निकले ब्रेकफास्ट करने एंड यहाँ पे मैंने खूब सारी मार्केट्स एक्सप्लोर और फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो है जटायू। एंड इसका रास्ता बहुत ही औसम था कि बगल में बिल्कुल समुद्र है और उसके बगल की रोड में हम लोग चल रहे हैं। एंड फिर जैसे ही हम पहुंचे हमें रोप वे से ऊपर तक जाना था एंड वो हमें छोटा सा जटायू दिख रहा था बट वो असल में बहुत ही बड़ा था। उसमें हम लोग चारों साइड गोल 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 घूम रहे थे और वहां पे राम जी का मंदिर भी था, तो हमने मंदिर के दर्शन किए और फिर हम पहुंच गए
पद्मनाभस्वामी टेम्पल। अब मैं आपको इस टेम्पल के बारे में एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पे ना इंडिया का सबसे ज्यादा सोना पाया गया था। अब मैं आपको टेम्पल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती हूँ कि यहाँ पे ना आपको सलवार सूट अलाउ नहीं होता है। तो मैंने जैसे सूट पहना हुआ है तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप नीचे लुंगी पहनो, तो मैंने वो नीचे बांध लिया और मैंने नया ही स्टाइल बना दिया। और लड़कों को भी पैंट और शर्ट अलाउ नहीं होती, तो मेरे भाई को नंगू पंगू होना पड़ा। या तो आप डायरेक्टली साड़ी पहन के आ सकते हो और आप साड़ी में एंट्री कर सकते हो। फिर हम यहाँ से निकले और हम पहुंच गए एलपी, एंड ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। यहाँ पे आपको इस टाइप की बोट्स मिल जाएंगी। हम लोगों ने एक घर लिया था जो कि लेक के जस्ट बगल में था, तो उसकी वजह से हमें ये सारी बोट्स दिख गई एंड सीनरी बहुत ही सुंदर थी। फिर हम यहाँ से बोट से निकले और रास्ते में हमें बहुत सारे बोट हाउसेस मिले एंड थोड़ा बहुत फिर से मैंने ड्राइव किया एंड उसके बाद हम पहुंचे मरई बीच। एंड ये जो रिजॉर्ट था यहाँ पे हम लोग बिल्कुल समझे समुद्र के सामने ही रुके हुए, मतलब बेस्ट प्लेस आई एवर विजिटेड हो गया ये तो। ये तीन लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे प्लेस थी एंड यहाँ के जो होस्ट थे ना उन्होंने हमें बहुत सारा खाना खिलाया। वो इतने अच्छे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड इसी के जस्ट बगल में मेरे ख्याल से 1 ही किलोमीटर पे मेन बीच था जहाँ पे पब्लिक अट्रैक्शन था एंड वहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम के स्टॉल्स थे जहाँ पे आपको फ्रूट फ्लेवर की आइसक्रीम मिलती है। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे सीन्स एंजॉय किए और आइसक्रीम खाई एंड दोबारा आइसक्रीम खाई एंड फिर से तीसरी बार आइसक्रीम खाई। फिर हमने अपने ही रिजॉर्ट के सामने जाके सनसेट एंजॉय किया, वहाँ पे बहुत सारे बुलबुले उड़ाए एंड फिर हम अगले सुबह फिर से सनराइज देखने पहुँच गए एंड वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे फॉरनर्स आए हुए थे एंड वो मछुआरों की हेल्प कर रहे थे। आप देख ही सकते हो। उसके बाद फिर हमने समुद्र में छपर छपर किया और हमने बहुत सारा खाना खाया और यहाँ पे बहुत सारे कौवे थे तो मैंने थोड़ा खाना उनके लाया। उसके बाद हम चल दिए वापस कोची और हमने रास्ते में ये नई टाइप की चीज खाई जो मैंने पहली बार खाई थी। मुझे इसका नाम नहीं याद है इसलिए आप बताना इसको क्या कहते हैं। मैं केरला के बारे में एक चीज तो बोलूंगी कि यहाँ पे बेकरीज बहुत सारी है, उनका खाना बहुत अच्छा है एंड मुझे ना लोकल ऑथेंटिक फूड एंजॉय करना बहुत पसंद है, तो मैं जाते जाते रास्ते में आपको हमेशा खाती पीती दिखूंगी। एंड सिर्फ केरला का खाना ही नहीं, मैंने कोरिया में भी बहुत सारा खाना खाया है। एंड आपको पता है कोरिया में पार्ले जी भी मिलता है? नहीं बिलीव हो रहा है? क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर एंड आपको दिख जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ।